पे शुरुआत करते हैं। भारत की भूगोल अगर भारतीय परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक होता है, और खासकर अगर भारत की भूगोल की हम बात करते हैं तो जो भारत का भूगोल है ये भारत की सभी भारतीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज की जो हमारी पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है, वो है आपका भारत के परिचय से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और हम लोग पूरी भूगोल के जो भारत का भूगोल है इसके पूरे सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे, और हमारा उद्देश्य है कि ताकि आप यहाँ से बेहतर स्कोर कर सके भारत के सभी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए। भारत का भूगोल या जो भूगोल का अध्याय होता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप आज भूगोल की शुरुआत इलेनी में दुर्गेश के दुर्गेश सर के साथ आप कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करते चलूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ है। अगर भारत को देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा भारत है वो इस तरह से ग्लोब बना है, यहाँ से 0 डिग्री जाता है, ठीक है। तो यह भारत लगभग भारत यहाँ कहीं है, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर यहाँ से भारत के बीचों बीच एक रेखा और खींच दी जाए तो मतलब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का, मतलब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में तो कुल 28 राज्य हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 28 राज्य हो चुके हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 7 से बढ़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, मतलब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और राज्य 29 से घटकर 28 हो गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर यहाँ पे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई है, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। यह हिस्सा 2 भागों में टूट जाने की वजह से अब यहाँ पे राज्य की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है। इसी के साथ अब हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए पढ़ते चलते हैं, ठीक है। आपको हम नोट्स के साथ पढ़ाएंगे, आप इसे लिखते चलेगा, पढ़ते चलेगा, जरूरत पड़ेगी इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, हम इसकी नोट्स भी आपको पूरी तरीके से उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नोट्स के अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक भी आप देख पा रहे होंगे, उसका नाम है भारत का परिचय। क्या नाम पढ़ा हम लोगों ने? भारत का परिचय पढ़ा। चलिए भारत के परिचय में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो आपके सामने दिख रहा है वो है भारत की भौगोलिक स्थिति। क्या दिखाई दे रही है हमें? भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में उसकी विस्तार और अवस्थिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसकी विस्तार और अवस्थिति को पढ़ेंगे, जिसमें से भारत का मैप ड्रा किया गया, उसी मैप ड्रा के अनुसार यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये भारत का मैप बना के रखा गया है, आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके देखिए। भारत का मैप है, अगर आपको पूरा वर्ल्ड का मैप देखना होगा तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। भारत का मैप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक है। ये मैप से तो आप परिचित होंगे, इसके बारे में भी हम लोग अब जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए तो हम लोग को आप नोट्स के तहत पढ़ना है, और नोट्स के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक करके हम इसके नोट्स को पूरी व्याख्या करते चलते हैं। आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, प्रयास करिएगा कि आप अपने आप से एक बेहतर नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप एक बेहतर नोट्स बना लेते हैं कहीं ना कहीं ये आपके लिए परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक। क्या होगी? आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर हम द्वीपों को लेकर भारत का क्षेत्रफल देखें तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर दुनिया के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, ये दुनिया के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर पूरी पृथ्वी को पढ़ ले तो यहाँ पे कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं। अब यहाँ से देखेंगे लंदन के ग्रीनविच नामक अस्त से जो रेखा गुजरती है उसे 0वां देशांतर कहते हैं। अगर हम इसे बाई ग्लोब बनाकर भी आपको समझा देते हैं, अगर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भारत उत्तर पूर्वी में स्थित है, जो कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसके बारे में लोग आगे देखेंगे अक्षांश रेखा क्या होती है, लेकिन अभी हमने देखा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का एक देश है। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतर विस्तार देखें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आइए इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि देशांतर का जो मेन मामला है ये क्या है। हमें यहाँ पे मिलता है कि अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत जो है दक्षिण में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भारत यहाँ पे दक्षिण में, शायद आप भी देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, मैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भारत क्या है? 8 डिग्री
सॉरी यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, भारत 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे क्या है भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके अगर उत्तर में देखा जाए तो कहाँ तक जाता है, ये देखते हैं भारत तो उत्तर में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 37 डिग्री 6 मिनट तक जो भारत का विस्तार है, इसे भारत का अच्छांसी विस्तार कहते हैं। अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें भारत, तो यहाँ से 0 डिग्री है, 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह 8 डिग्री है, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का एक देश है। जबकि अगर हम इसके देशांतर विस्तार की बात करें, तो देशांतर विस्तार कैसे है, ग्लोब है भारत तो देखिए देशांतर कैसे गुजरेगी, ऐसे नहीं गुजरेगी, तो भारत यहाँ पे देख रहे हैं ये पश्चिम में गुजरात के पास जो देख रहे हैं ये है आपका 8 डिग्री 7 मिनट, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक है। माने भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैला है। कितना फैला है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं इसके अन्य तथ्यों को भी, थोड़ा थोड़ा हम लोग परिचित होते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नोट्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने ये पाया कि भारत का देख रहे हैं यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि जो भारत का अच्छांसी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, और भारत का जो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी गोलार्ध तक है, तो यहाँ पे लगभग 30 डिग्री का अंतर है। क्या है 30 डिग्री का अंतर होता है, और 30 डिग्री का अंतर होने का एक बात और स्पष्ट होता है, और अभी हम देखेंगे 1 डिग्री पृथ्वी को चलने में 4 मिनट का लगता है, तो 30 डिग्री चलने में 120 मिनट का अंतर होगा। इसलिए गुजरात में अगर सूरज 5 बजे सुबह उदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश में वही सूर्य 7 बजे सुबह उदय होगा। इन सब विषय में अभी हम लोग आगे के करके चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा थोड़ा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 24 घंटे में 1440 मिनट होता है, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि देखिए आपको अगर एक बेहतर नोट्स बनानी होगी तो साथ साथ में लिखते भी चलना होगा ताकि आपके बेहतर नोट्स तैयार हो जाए। हम जानते हैं अगर 24 घंटे की बात करें तो हम 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 24 × 60 कर देंगे, ठीक 24 × 60 कर देंगे तो हमें 1440 मिनट मिल जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि एक दिन में 1440 मिनट, सेकंड बात करेगा गुड़े क्या करेंगे 60 कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कुल 30 देशांतर रेखा है, जैसा कि भी मैंने आपको बताया था। पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, देखिए एक बात और आप जानते रहेगा, जो पृथ्वी हमारी ये पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, माने वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। सोचेंगे कैसे, आपने कभी बस या ट्रेन में यात्रा की है, जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें हर वस्तु पीछे जाती हुई दिखाई देती है, चाहे खंबा हो बिजली का हो कुछ भी हो वो पीछे की तरफ भागती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या खंबा पीछे की तरफ भागता है या आप वास्तव में पीछे की तरफ भागते हैं, तो आप ये गौर करेंगे कि जी नहीं, ट्रेन तो आगे चलती है लेकिन खंबा पीछे जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण कि हम चलायान है और पेड़ पौधे स्थिर होते हैं इसलिए वो हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सेम इसी तरह मन इसी टॉपिक तर्ज पे हम लोग ये भी बात जान पाएंगे कि जो हमारे सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी चल रही है, माने पृथ्वी हमारी ट्रेन हो गई, पृथ्वी हमारी क्या हो गई ट्रेन हो गई, और जो सूर्य है वो क्या है वो एक पेड़ हो गया। अब सूर्य स्थिर है और हमें पेड़ सूर्य क्या है ये सूर्य हो गया, ये ट्रेन माने हम हो गए, तो जब हम चलते हैं तो ये लगता है कि सूर्य पीछे जा रहा है। इसी प्रकार सूर्य स्थिर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और ये लगता है प्राय कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य पूर्व में आया। एक बात, दूसरी बात, एक बात और एक कैलकुलेशन छोटा सा है वो मैं कैलकुलेशन आपको बता दूं शायद आपके काम में आ जाए। देखिए पूरी पृथ्वी घूमती है कितना, एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, कितना 360 डिग्री घूमती है एक दिन में, कितने दिन में एक दिन में, और एक डिग्री 360 डिग्री घूमने में, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, कितना लगता है 24 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे अगर हम निकालें तो एक आवर्स बराबर 360/24 कर देंगे तो पता चला 15 डिग्री घूमती है एक घंटे में 15 डिग्री। माने हमने ये पाया कि 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है 15 डिग्री घूमती है, 60 मिनट है ये, 60 मिनट लिख लीजिएगा, 60 मिनट में पृथ्वी 15
15 डिग्री चक्कर लगाती है। इस प्रकार एक डिग्री घूमने में 15 से भाग देंगे तो एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो हमें यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी जो है, जो ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, इस पृथ्वी को घूमने में क्या लगता है, पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व तरफ चक्कर भी लगाती है, आपको भी ये पता हो गया। मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है, और यह 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यह बात तो आपको स्पष्ट हो गया ना। और ये एक घंटे में कितना जाती है? एक घंटे में 15 डिग्री चलती है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया। इसलिए पूरे वर्ल्ड को कितने भागों में बांटा गया जरा हमें बताइएगा। 15 डिग्री से भाग दे देंगे, 360 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ देखा कि एक डिग्री में, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यह स्पष्ट होता है कि एक डिग्री में 4 मिनट पृथ्वी चलती है, माने 4 मिनट पृथ्वी को घूमने में, एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा, माने 2 घंटे में पृथ्वी जो भारत का पश्चिम से पूर्व तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए एक बात आप और जानते रहिएगा, 2 घंटे का समय लगता है इसलिए अरुणाचल प्रदेश में, एक बात आप स्पष्ट कर लीजिएगा, शायद आपके काम में आ भी जाए। जो अरुणाचल प्रदेश होता है आपका, एक मिनट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? पूरब में है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? पूरब में है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा भाई मैप इसको देख लेते हैं, हो सकता है आपके काम में आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें इसको भाई, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है इस सारी बातों को हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अगर सूर्योदय दिन के 5 बजे हो रहा है तो यहाँ कितने बजे होगा? गुजरात में ये दिन के 7 बजे होगा। ये कितने बजे होगा? ये 7 बजे क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल कितनी डिग्री? 30 अंश का फर्क पड़ता है, और एक डिग्री बराबर 4 मिनट, तो कुल कितना हो गया? 120 मिनट का अंतर आता है लगभग, मतलब 2 घंटे का अंतर आता है। हम जानते हैं सूर्योदय सबसे पहले पूरब में होता है, माने भारत के अरुणाचल प्रदेश में होगा, और उसके बाद कहाँ होगा? गुजरात में। तो 2 घंटे का समय अंतर होता है, इसलिए इस समय को बरकरार रखने के लिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, जिसे हम भारत का मानक समय कहते हैं। आइए उसके, भारत के जो मानक समय है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए हो सकता है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो। चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, हो सकता है आपके लिए शायद कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करें इसके बारे में हम लोग अध्ययन। देखिए भारत को में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहते हैं। तो देखिएगा जो भारत का मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री, मैंने 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? भारत का मानक समय कहते हैं, माने जो यहाँ बजेगा वो पूरे देश में बजेगा। कहाँ बजेगा? पूरे देश में बजेगा। और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह रेखा कहाँ गुजरती? इलाहाबाद के नैनी से गुजर, याद कर लीजिएगा कहाँ से गुजरती है, ये इलाहाबाद के नैनी से, एकदम नोट डाउन कर लेगा, रट्टा मार दीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण। लेकिन ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी के बाद, देखिए सारे कॉन्स्टेप्ट को नोट कर लीजिएगा आपके लिए काम है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य है जहां से ये रेखा गुजरती है। लिख लीजिएगा, एक होगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा होकर गुजरती है। भारत का मानक समय लंदन की ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। एक प्रश्न उठता है कि 5.5 घंटा आगे कैसे हो गया? आइए हम उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि 5.5 घंटा आगे कैसे हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम छोटा सा ड्रा कर लें, देखिए ये हमने बना लिया, ये मान लीजिए ग्लोब हो गया। ग्लोब में यहाँ पे हमने देखा कि ये भारत का ये ग्रीनविच रेखा हो गया, ठीक, ये क्या हो गया हमारा? ग्रीनविच रेखा हो गया। अब ग्रीनविच रेखा में अब हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे देखेंगे, जैसे
यहाँ से 1 डिग्री, यहाँ पे एक दो, ये जो जो पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, इसे प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। भारत कहाँ है, 82.5 पे है। कहाँ है, 82 से 1/2 डिग्री पर है। और जब 4 से गुणा करेंगे तो कुल कितना होगा, 330 मिनट आएगा। इसे जब बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। क्या है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये बात आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के दुर्गेश सर, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फेसबुक पेज अगर है, ई लर्निंग पे दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि कहाँ से, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रायः पूछता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। भारत का मानक समय लंदन से 5.5 घंटा आगे है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे दे रहा है कि अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, जिसे हम एक ट्रिक से याद करते हैं, मित्र पर गमछा झार। किस ट्रिक से याद करते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। एक काम करिए, तो साफ कर लेते हैं बोर्ड को, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, हमने क्या ट्रिक क्या पढ़ा कि मित्र पर गमछा झार, आप इसको ट्रिक को लिख लीजिएगा, हो सकता है काम आ जाए ट्रिक। मित्र पर गमछा, गमछा झार। ठीक है, मी से हो गया आपका मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर से देख लेते हैं, मी से हो गया मिजोरम, मित्र पर गमछा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए कर्क रेखा को अगर हम देखना चाहे तभी हम आपको दिखा देते हैं, सारा पूरा स्पष्ट कर देते हैं। एक प्रश्न ऐसे प्राय पूछता है कि झारखंड की राजधानी जैसे रांची है, वो अक्षांश रेखा पे, मतलब ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ये अक्षांश रेखा पे स्थित है। कौन सा अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। ये दोनों भोपाल के गांधीनगर अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये आपको नोट डाउन करना है, मैप से एक बार हम लोग देखेंगे तो हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसके बारे में और बहुत सारी सी बातें हैं जो हम आपको करके समझा देते हैं ताकि आपकी परीक्षा में एक बेहतर तैयारी हो सके। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, मैप पे देखते हैं कि मैप पे कहाँ कहाँ है। तो देखिए मैप पे अगर हम देखेंगे तो हमें कर्क रेखा जो मिलेगा, ये कर्क रेखा आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा अगर ध्यान आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे कर्क रेखा एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। देख रहे हैं यहाँ पे एक रेखा जा रही है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपका स्पष्ट करें। आप देखिए ये कर्क रेखा, यहाँ पे लिखा है कर्क रेखा, ये जहाँ जहाँ से गुजर रही वो है। देखिए कहाँ से गुजर रही, यहाँ से मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर देख रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये 8 ऐसे राज्य है जहाँ से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य कौन सा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और हम लोग जान लेते हैं। तो भारत का हम लोगों ने जो विस्तार था उस विस्तार के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम आते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में भारत के जान लेते हैं। भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे, ये देख लीजिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसका देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। लेकिन इसे क्या कहते हैं, किसी को पता है, अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि भारत के सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसे क्या कहा जाता है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे हम गौर मोहता कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर मोहता कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर मोहता कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर मोहता। जरा कमेंट करके बताइएगा कि जब इसे गौर मोहता कहते हैं क्या इसे और किसी के नाम से जानते हैं। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर है। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं इसे बताइएगा और गौर मोहता को बताइएगा। इसे हम कीवीथू कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, कीवीथू, की वी
थू के नाम से जानते हैं या इसे वालांगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वालांगू लिख लेते हैं यहाँ पे, इसे वालांगू के नाम से भी जानते हैं, वालांगू के नाम से भी जानते हैं। जबकि गौरमोता को सरक्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरक्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हुई। पहला हुआ भारत का जो सबसे बिंदु है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है, 68°7', ये पे देख रहे हैं, गुजरात के सबसे पश्चिम में है। इसे 68°7' पे गौरमोता या सरक्रिक के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आपको मैप में गौरमाता भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गौरमाता मिल जाता है, ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात आपको नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसे हम किवीथू या वालांगू के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इस नाम को, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा, वरना इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे जरूर उपलब्ध करा देंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे और कई महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। अगर हम भारत के पश्चिमी दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं, दक्षिणी बिंदु देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानते रहिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो पता है, उसके बाद में लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु जो है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट कहाँ? यहाँ पे है। क्या कहते हैं उसे? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। जो अंडमान निकोबार देखिए, अंडमान अलग होता है और निकोबार अलग है, यहाँ से अलग होता है। कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, 10° चैनल से, 10° चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होता है। हमने देखा कि अंडमान निकोबार के द्वीप के दक्षिण में यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। क्या है? ग्रेट निकोबार लिख लीजिएगा, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में कितना है इसका, अगर देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 6°45' है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा, 6°45', मतलब 45 मिनट कह सकते हैं, जो उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिनियन पॉइंट कहते, इसी पहले पिगमिनियन पॉइंट के नाम से जानते थे, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसे का पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था, अथवा इसे पार्सन पॉइंट के नाम से जानते थे। किस नाम से? पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? पार्सन बिंदु के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जबकि भूमध्य रेखा से इसकी भूमध्य रेखा से अगर दूरी देखा जाए, अगर हम यहाँ पे एक वर्ल्ड मान लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे 0° हमारा हो गया, ठीक, ये भूमध्य रेखा हो गया, तो भूमध्य रेखा में यहाँ पे 0° हो गया, तो यहाँ से जहाँ भूमध्य रेखा से जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ से 876 किलोमीटर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 876 किलोमीटर की दूरी है। जबकि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, देखिए भारत का क्या है, ये मुख्य भूमि है, जो ये मुख्य भूमि है इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पे है, तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में है, जो 8°4' पर है। इसका जो है ये 8°4' पर है। ये कहाँ है? ये कन्याकुमारी में। कहाँ पे है? कन्याकुमारी में। दोनों बात स्पष्ट कर लीजिएगा, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 6°45' में है। दोनों बातें एकदम लिख लीजिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तब आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अगर आप फेसबुक यूजर है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पर आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो टेलीग्राम ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा दुर्गेश सर, DURGESHSIR, दुर्गेश सर सर्च करके आप हमारे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ साथ हम आपको इस PDF की नोट्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे। या नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको जुड़ना होगा, अन्य कोई स्रोत नहीं जिससे हम आपको उपलब्ध करा सके। और ये क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इंदिरा कॉल माने भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, उनके विषय में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। अब अगर हम इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो देखिए भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, यहाँ पे है। आइए उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक। देखिए भारत का सबसे उत्तम बिंदु यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, ये है 37°6' कितना है? 37°6' भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा
कॉल के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी बिंदु है। क्या है? जम्मू कश्मीर का उत्तरी बिंदु। लेकिन अब ये लद्दाख हो चुका है, मतलब ये लेह लद्दाख का सबसे उत्तरी बिंदु। आप पता है भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य था ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा लेह और लद्दाख। इस प्रकार राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7+2 9 हो चुकी है। ठीक, इसके बारे में आगे हम लोग और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे जब हम राज्यों के बारे में एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम इसके बारे में जानते हैं, यह जम्मू कश्मीर से अब बदल चुका है। तो ये हो गया, पहले जम्मू कश्मीर कहते थे, अब इसे लद्दाख के राज्य में सल्तो दास लिख लीजिएगा, सल्तो दास श्रृंखला, एक सल्तो दास श्रृंखला है पर्वत जो श्रृंखला है, सल्तो दास श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में। क्या है? सल्तो दास जो पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तरी दिशा में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो दक्षिण भाग में सियाचिन का ग्लेशियर है, इसी के ठीक दक्षिण में क्या है? सियाचिन का ग्लेशियर है। चीन का ग्लेशियर है। क्या है? उसके दक्षिण में सियाचिन का ग्लेशियर है। ये उत्तरी भाग में उडो ग्लेशियर, इसके उत्तर भाग में उडो ग्लेशियर है। इसके उत्तरी भाग की बात करें, ठीक, इसके उत्तर में यहाँ पे नॉर्थ में तो क्या है पता है? जैसे अगर यहाँ पे इंद्रा कॉल है, इंद्रा कॉल के दक्षिण में सियाचिन है, और अगर उत्तर की बात करें तो उडोक है। क्या है? उडोक है। उडोक माने अगर हिंदी में लिखेंगे तो उडोक पैड पे भी नया है तो पैड पे नहीं लिख पा रहे हम। और कॉल किसे कहते हैं? अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि इसे कॉल किसे क्यों कहते हैं, कॉल का क्या मतलब? जरा कोई कमेंट करके बताएगा कॉल किसे कहते हैं, कॉल किसे कहते हैं, तो कॉल किसे कहते हैं बताइए। कॉल पर्वतीय दर्रा कहते हैं, जो कॉल होता है एक प्रकार का जो पर्वतीय दर्रा होता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय दर्रा को कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पर्वतीय दर्रा होता है उसे कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ से जो पर्वतीय कटकों की दो चोटियों को बीच में अर्धचंद्राकार रूप में कटे होते हैं उन्हें कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे ला कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे ला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ला कहा जाता है। जैसे नाथुला, तो नाथुला भी क्या है? एक प्रकार का दर्रा ही है। नाथुला क्या है आपका? एक प्रकार का दर्रा ही है। इसके बाद हम भारत के परिचय में, समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमने आपको एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण पढ़ी, ताकि एक बार जब क्विक रिवीजन हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको शायद सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एक तरह से हम आपको जल्दी से बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट एक बार हम क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं हम लोगों ने क्या-क्या महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, एक बार से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एक बार आपका जब क्विक रिवीजन हो जाएगा तो शायद पढ़ने में आसानी। भारत का परिचय पढ़ा, देखा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। जैसे हमने ग्लोब में अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक बात हम लोग को क्या हुई, स्पष्ट हो गई कि भारत ये यहाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत हमें कहाँ मिला? यहाँ पे। तो भारत क्या? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक, एक बात स्पष्ट हुई। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, यहाँ पे हम लोग देखा जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है, ये मुख्य भूमि है। जबकि अंडमान निकोबार जो था ये था 6 डिग्री 4-5 मिनट, ये सभी नॉर्थ है। ये सभी क्या है? नॉर्थ है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है यहाँ तक फैला है। इसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मिनियन पॉइंट कहते थे, इसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, और ये इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे इंदिरा कॉल कहलाता है। फिर उसके बाद हमने देखा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये क्या था? ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट। क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट था। इसे हम गौरमोता या सरक्रिक के नाम से जानते थे। फिर यहाँ पे था अरुणाचल प्रदेश का जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु था, ये कितने पे था? ये था आपका 97 डिग्री 25 मिनट था। ये आपका था 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, और इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर होता था, मतलब 120 मिनट का अंतर होता था। फिर हम लोगों ने देखा भारत के बीच से एक मानक रेखा खींची गई थी जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका मान था 82.5 डिग्री। ये पूर्वी गोलार्ध में भारत का मानक समय था। ठीक है, और यहाँ पे अगर सूर्योदय 7 बजे दिन में होता है, 5 बजे होता है, यहाँ पे 7 बजे 2 घंटे के बाद होगा। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो भारत है, भारत का जो ये विस्तार था,
ये उत्तरी गोलार्ध का देश है और भारत में मुख्य भूमि यहाँ पे कन्याकुमारी है। और इससे ज्यादा कुछ हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था और जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, यह था भारत का परिचय भागे। इसके बाद हम लोग भाग दो में भारत का परिचय लेकर आएंगे ताकि अन्य जो चीजें हैं जो अलग के टॉपिक हैं उनसे भी टॉकों पर विधिवत चर्चा कर सके। यह वीडियो आपको कैसे लगा सभी को भेज दीजिएगा। यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पर भी देख सकते हैं। कहां पे? लर्निंग विद दुर्गेश पर भी देख सकते हैं, लर्निंग विद दुर्गेश पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि फेसबुक यूजर हैं तो आप हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहां पे सारी वीडियो और उसके नोट्स के जो लेक्चर हैं वो आपको पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप सभी साथियों को ये पीडीएफ नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराएंगे। टेलीग्राम पे बिना स्पेस के आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलेनी भी दुर्गेश आपको मिलेगा। इलेनी भी दुर्गेश को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम लोगों ने जो प्रमुख चीजें थी, जो बातें थी, वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अगर आपके मन में कोई समस्या आता है तो कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा हम आपको प्रश्न पूछते हैं और उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। भारत का पूर्व नाम क्या था? कमेंट करके इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। भारत का पूर्व नाम या भारत का इसके पहले नाम क्या था, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।